गुड इवनिंग सभी को। मेरी आवाज सब तक आ रही है? थैंक यू। चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाने से पहले हम खुद को सेटल करेंगे, हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठें, आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स योरसेल्फ, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करें। आपका ध्यान आपके सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें, और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें फिर सांसों को रिलीज करें। अगेन टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। और अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। अपने सभी देवी देवता मास्टर्स सभी को याद करें। आपके सारे पूर्वज आपके कुल देवता सभी का आवाहन करें। इमेजिन करें इन सब की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ये सभी हर पल हर समय आपको ब्लेस कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड से ये सारी ऊर्जा के आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। आपके सबसे ऊपर का चक्रा, क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड, उसमें प्रवेश कर रही है। जैसे ही ये ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा में आ चुकी, इसी के साथ आपकी चेतना उनसे जुड़ गई है जिनका आवाहन आपने किया। आपकी सारी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस उन देवी देवताओं की ऊर्जा से जुड़ चुकी है जिनका आवाहन हमने किया है। ये चेतना अब हमारे अंदर मौज हो रही है, पूरी तरह से मौज हो रही है, हमें अवेक कर रही है, हमें अवेयर कर रही है। हर समय हर पल जो डिसीजंस हम लेना चाहते हैं, जो भी क्रिया हम करना चाहते हैं, उन सारी क्रिया में सही मार्ग दिखाने की अवेयरनेस ला रही है। ये ऊर्जा हमारे अंदर मौज होते ही हमें बैलेंस कर रही है। बैलेंस अपने आप के विचारों से, ये बैलेंस कर रही है अपने मन की पीड़ाओं से, ये
बैलेंस कर रही है अपने शरीर की पीड़ाओं से। इस पल सिर्फ आप और वो है और उनकी चेतना है। ये सारी ऊर्जा आपको सिर्फ उनकी चेतना में खो रही है, लीन कर रही है, और जैसे जैसे और डीप आप लीन हो रहे हो, बस आप खोते जा रहे हो, खोते जा रहे हो। हर क्षण सिर्फ उन्हीं का है। अब वो आपके भीतर है, जैसे एक डिवाइन चैनल बन चुके हैं, और ये डिवाइन चैनल इस फ्लो ऑफ एनर्जी को कंटिन्यू रख रहे हैं, और इस फ्लो में आप बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आनंद है। बस आनंद है, खुशी है, पीस है, हार्मनी है, सेरेनिटी है। जैसे एक बच्चा अपने माँ की गोद में जाते ही अपने आप को सरेंडर कर देता है, इसी तरह की फीलिंग आप सभी महसूस कर रहे हैं। यही भाव आप सभी महसूस कर रहे हैं। आप इस डिवाइन फ्लो में हैं, और ये डिवाइन फ्लो आपको सुकून दे रहा है, मन की शांति दे रहा है। बिल्कुल शांत, और यही शांति हमारे अंदर हर क्षण हम एक्टिव रखना चाहते हैं। यही प्रेम, यही भाव हमारे अंदर हर क्षण हम एक्टिव रखें, इसी भाव के साथ हम धीरे धीरे प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। स्लोली स्लोली हम सभी इस भाव के साथ में प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। कम बैक टू दिस प्रेजेंट स्टेट, टू दिस प्रेजेंट रूम वेर यू आर सिटिंग। आपकी पूरी चेतना इस पल में वापस आ चुकी है। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें, स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के क्षेत्र में। डॉक्टर उदयश और सारी साई करुणा मिशन टीम आप सबका वेलकम करती है हमारे इस जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। हमने एक छोटा सा अभी मेडिटेशन किया, अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन। हम जैसे अपनी चेतना को ट्रेवल करवाते हैं, मीन्स हमारे जो थॉट है, ये थॉट को हम ट्रेवल करवाते हैं। हमने गाइड किया, आपके थॉट उसी तरह उस दिशा में ट्रेवल करने लगे, मीन्स आपकी चेतना ट्रेवल करने लगी। आपने इस भाव को महसूस भी किया होगा, आप उस इमेजेस से भी कनेक्ट हुए होंगे, उस पल को वास्तविकता में जैसे आपने महसूस किया होगा, जैसे अब प्रेजेंट में ही आप उस क्षण में हो, अपनी माँ के गोद में हो। तो कितनी इजीली हमारी जर्नी ट्रेवल कर जाती है और कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो कॉन्शियसनेस की शिफ्ट है, ये सोचिए अगर इतने ही पल में इतनी आसानी से वो इतने दूर तक ट्रेवल कर सकती है, तो ऐसे तो कितने सारे क्षण हमारे जीवन में है, कितने सारे मिनट सेकेंड हम बिताते आए हैं, और हर एक सेकेंड हर एक मिनट में हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ कहाँ ट्रेवल करती होगी हमें पता भी नहीं होगा, या फिर हम जानते भी हैं तो हम उसमें खो जाते हैं, कभी विचारों में, कभी
पीड़ाओं में, कभी स्ट्रेस में, कभी डिप्रेशन में, कई सारी चीजें आ जाती हैं एक विचार को लेकर, अनगिनत मोतियों की तरह माला बनते हुए कितने सारे विचार, कितनी सारी मालाएं पिरो दी होंगी हमने इस तरह से। अब इन मालाओं को फिर खोलना, फिर उसके अंदर जो गांठें होंगी उन गांठों को खोलना, उसकी क्लिंजिंग करना, फिर जो मोती है जो सही है उसे ही रखना। तो ये चीज हमें करनी है जब हमारी कॉन्शियसनेस आगे जाती है। अब सोचिए, ये तो हम इस लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो जर्नी है ये सिर्फ इसी लाइफ की सीमित जर्नी नहीं है। कई समय से, कई सदियों से, कई सालों से, या फिर कई जन्मों जन्मों से हम इस कॉन्शियसनेस को ट्रेवल करवा रहे हैं। कहाँ से आई है ये कॉन्शियसनेस? इसका कहीं से तो जन्म हुआ होगा, ये चेतना का कोई तो रूप में जन्म हुआ होगा। अभी जिस भी रूप में, जिस भी फॉर्म में ये लाइफ लेकर आए, कोई मिनरल के फॉर्म में, कोई प्लांट्स के फॉर्म में, या फिर एनिमल्स के फॉर्म में, या फिर जैसे अब हम ह्यूमन फॉर्म में, तो इतनी सारी जर्नी ये ट्रेवल कर कर जो चेतना आई है, इसमें इनकी कॉन्शियसनेस जो हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई है, जैसे हम पंच तत्व से बने हुए हैं और इस पंच तत्व से जुड़ी हमारी चेतनाएं हैं जो 5 सेंसेस से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे ये 5 सेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमारा शरीर काम कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, आपको भाव का एहसास करवा रहा है, तो ये आपके 5 सेंसेस रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं तो आप कहीं पर भी चले जाओगे, कुछ भी करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या ठंडा है, क्या गर्म है, कहाँ आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ बुरा लग रहा है, कोई चीज का पता नहीं चलेगा। बट जो सेंसेस हैं, ये सेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और यही रोल से हमारी जीवन चले आ रही है, और कर्मा भी यही सेंसेस करवाते हैं। मोह, माया, क्रोध, लोभ, ये सारा कहाँ से आया? इन सेंसेस से ही तो जुड़ा हुआ है, और ये कर्मा हम ही बना रहे हैं। हर जीवन में एक नया कुछ रोल प्ले करते हैं, कभी फीमेल, कभी मेल, पता नहीं कभी क्या, कभी बिजनेसमैन, कभी कोई सेंट, कभी और कुछ, कभी तीत, कभी चोर। क्या रोल नहीं प्ले किया होगा हमारी सोल ने, और उन सारी चेतनाओं को उसने अपने अंदर एक पिटारे में बंद करके वो चले आ रही है। और जिस दिन वो पिटारा खुल जाएगा तो वो चेतना आपको फिर कहाँ ले जाएगी हमें नहीं पता है, क्योंकि हम तो अनअवेयर रहते हैं ना, हमें पता ही नहीं है। इसके लिए तो सफरिंग्स आते हैं हमारे जीवन में। ये सफरिंग कैसे आते हैं? हमें लगता है कि हम क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, देयर इज अ गुड फैमिली, वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मॉनिटरी फाइनेंसेस जो हमें इतने सर्वाइवल के लिए काफी है, फिर भी सफरिंग्स है, रिलेशन सामने है फिर भी इम्बेलेंस्ड है, सब कुछ होते हुए भी ये सारा हर्डल्स क्यों आ रहा है, स्ट्रगल क्यों आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्यों आ रहे हैं? तो ये सारी जो सफरिंग है उन्हें हमें कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, उसका कॉज ढूंढना होगा। अगर उसका कॉज हमें पता चल जाता है तो वो अपने आप क्लियर होने भी लगेगा, उसकी रास्ते बन जाएंगे क्लियर होने के लिए। तो जैसे ये सारा चक्रव्यूह है, उसी तरह से हम इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और हम अपनी जर्नी आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में कई सारे तरीके हैं जहां पर हम हीलिंग के माध्यम में जाते हैं। हील होना मीन्स सिर्फ स्वास्थ्य हो, अच्छा हो जाना, हल्का हो जाना, तंदुरुस्त हो जाना इज अ हीलिंग। तो हील कैसे करते हो आप, वो आप पर निर्भर है। अगर कोई एक व्यक्ति अपने ही घर में रह के सारी चीजों को एक्सेप्ट करते जाता है, किसी की मारपीट को एक्सेप्ट करता है, किसी की कह सुनाई को एक्सेप्ट करता है, सारी चीजों को वो अपने अंदर लेता ही जाता है, तो वैसे ही वो स्पिरिचुअल हो गया, क्योंकि उसके अंदर तो एक्सेप्टेंस उस मोमेंट से ही है कि अब मेरे साथ जो भी कर रहे हैं, पर यही मेरी घर है, यही मेरे लोग हैं, यही मेरे अपने हैं, इसलिए उसने स्वीकार कर लिया उस चीजों को और उसके साथ में वो चला आ रहा है सोल। अब उसकी चेतना ने उस लेसन को सीखना स्टार्ट कर दिया है, पर कई सारे अभी भी होते हैं ऐसे सोल, मिलना हार्ड है, शायद लाखों में एक ऐसे सोल निकलेंगे, पर कई सारे सोल अभी भी अपनी चेतना के अंदर जुड़े हुए, कितने सारे वेरियस कॉन्शियसनेस, वेरियस मतलब
हर किसी के साथ एक डिफरेंट रोल प्ले है। हम मम्मी के साथ अलग तरह से रोल प्ले करते हैं, भाई बहन के साथ अलग तरह से बिहेव करते हैं, फ्रेंड्स के साथ हम डिफरेंट रहते हैं, कलीग्स के साथ हम डिफरेंट रहते हैं, वाइफ हस्बैंड स्पाउस जो होते हैं उनका रोल प्ले अपने आप में एक अलग रोल प्ले होता है। तो एट एवरी रिलेशन ऑल्सो वी आर लिविंग इन डिफरेंट कॉन्शियसनेस। तो सोचिए, हम सिर्फ लाइफ टू लाइफ कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम रोल प्ले और रोल प्ले के साथ जो रिलेशन है वहां भी अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर रहे हैं हर लाइफ में। तो ऐसे कितनी सारी चेतनाओं की जो तार है वो हम कॉर्ड्स लेते हुए आए हैं इन एवरी फ्रॉम एवरी लाइफ, और वो कॉर्ड्स के अंदर वो सारे इम्प्रिंट्स हैं, जेनेटिक इम्प्रिंट्स का हैं, बायोलॉजिकल इम्प्रिंट्स का हैं। ये सारे इम्प्रिंट्स के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होता है। हम फिर उन्हीं सोल्स को मिल रहे हैं कोई न्यू लाइफ में इन वेरियस रोल प्ले में भी, तभी कोई अलग रोल प्ले था, अब कुछ अलग रोल प्ले है, पर जो जेनेटिक इम्प्रिंट्स हैं वो इम्प्रिंट्स तो वहीं के वहीं हैं, पर उसके अकॉर्डिंग न्यू बिहेवियर सोल करेगा अकॉर्डिंग टू न्यू रोल। पर जब ये दो कॉन्शियसनेस मर्ज होगी, पहले वाले रोल के जेनेटिक इम्प्रिंट और इस लाइफ के रोल के इम्प्रिंट, इस लाइफ की कॉन्शियसनेस, तब यहाँ पर जाकर उसके अंदर क्या होता है, अनकम्पलेटिबिलिटी हो जाती है। तब वो एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो पाते हैं, उनकी ऑरा एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो पाती है, और यहाँ रोल प्ले करती है ये अनकम्पेटेबिलिटी, डिफरेंट कॉन्शियसनेस, तब जाके इम्बैलेंस स्टार्ट होते हैं। तो हमारी जो हीलिंग है, जो भी हम करुणा हीलिंग करते हैं या साइकिक सर्जरी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये सारे डिफरेंट कॉन्शियसनेस के जो कॉर्ड्स हैं उन कॉर्ड्स को हम साइकिक सर्जरी के थ्रू क्लियर करें, करुणा हीलिंग के थ्रू हम इम्प्रिंट्स को हील करें, ताकि हमारे अंदर शिफ्ट आए, एक्सेप्टेंस आए, हम लेट गो कर पाए। हमारे अंदर सबसे पहले कंपैशन आए, और ये कंपैशन आने के लिए ही हम ये सारे चक्र मेडिटेशंस करते हैं सिंबल्स के साथ में। तो हमारे जितने भी मेडिटेशंस आप सभी ने किए हैं, या जितने भी मेडिटेशंस जो वर्कशॉप के फॉर्म में सिंबल्स के साथ में किए हैं, ये सारे मेडिटेशंस आपको इन डिफरेंट कॉन्शियसनेस को हील करने में मदद करती हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे 7 चक्रास है, मेजर 7 चक्रास विच आर लोकेटेड इन आर स्पाइन। अब जब हम जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो इसमें हमारी जो कॉन्शियसनेस है हर चक्रा के अकॉर्डिंग शिफ्ट होती है। हमारे 7 चक्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है, सबसे बेस में जो मूलाधार चक्र है। अब यहाँ पे एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस के साथ सोल पहली बार ह्यूमन फॉर्म में आती है, और उसके अंदर वो इम्प्रिंट पिछले सारे लाइफ की होती है, मे बी एनिमल इम्प्रिंट है, आपके प्लांट इम्प्रिंट है, और इनमें से जो इम्प्रिंट ज्यादा एक्टिव है उस तरह से वो पर्सन बिहेव करना स्टार्ट करेगा। एनिमल इंस्टिंक्ट ज्यादा एक्टिव है तो पर्सन विल बिहेव इन दैट वे रूट चक्र पर। फिर उसके बाद जैसे हम सेक्रल पर आते हैं, तो सेक्रल पर जब हमारी जर्नी थोड़ी सी एक लेवल ऊपर बढ़ती है, हम चीजों को समझने लगते हैं कि अब हमें शिफ्ट आना चाहिए, तब सोल आगे आती है, और सोल वहां पर कोशिश करती है कि वो पहले जिस तरह से रही वैसा ना रहकर अपने अंदर शिफ्ट लाए, और लोगों के लिए वो प्रोटेक्शन दे, वो चीजें फिर से ना दोहराए। और जब लोगों के लिए प्रोटेक्शन देने का काम करती है, तो फिर वो अपने आप को फियरलेस जीने के तरीके ढूंढती है। और फिर जैसे फिर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, तब वो मणिपुर चक्रा पर आती है, तो यहाँ पे अब वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर लेता है, क्योंकि पिछले 2 लाइफ में उसने वो हर सब कुछ चीजें की हुई है, उसका एक्सपीरियंस लेकर आई है, लोगों को मारना, लोगों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें उसने किया है, उस लेवल पर एक्सपीरियंस लिया है। अब वो एक्सपीरियंस के साथ व्हेन रीचेस टू मणिपुरा, तो फिर उसे पता है कि अब कैसे कंट्रोल करना है, अब लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करनी है। अब फिर एक समय आता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव में डोमिनेटिंग नेचर भी बन जाता है कई बार, और उस तरह से वो डोमिनेटिंग नेचर से अब सबको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर जब ये आगे बढ़ती है, यहाँ पर जो लाइफ के लेसन एक्सपीरियंस कर दी है, कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है, फिर शिफ्ट होकर अब वो सोचती है कि बहुत हो गया, बहुत डोमिनेटिंग कर लिया, बहुत लोगों को कंट्रोल कर लिया, अब कुछ अपने लिए करें। अपने लिए जब करते हैं, अपने अंदर जाने का काम होता है, अपने अंदर खोना, तब वो जाके हार्ट चक्र पर पहुंचती है, और जैसे ही हार्ट चक्र पर आ जाती है, अपनी सेल्फ जर्नी स्टार्ट होती है, अपना सेल्फ मेडिटेशन स्टार्ट होता है। और वो जैसे ही सेल्फ मेडिटेशन में आते हैं, फिर यहाँ से
जो एक नेक्स्ट स्टेप होता है वो है पूरा सेल्फ की तरफ। जैसे नीचे के जो चक्र है वो पूरा एनर्जी से भरे हुए थे, एनर्जी कॉन्शियसनेस वाले थे, पर जैसे ही आप हार्ट पे आ गए आप प्राण से कनेक्ट हो गए, आप ब्रेथ से कनेक्ट हो गए। ब्रेथ मीन्स अवेकिंग, अभी आप वेकिंग कॉन्शियसनेस में आ गए। अब जैसे ही वेकिंग कॉन्शियसनेस में आ गए अब यहाँ से आपका रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन। अब आप क्या कर रहे हो, आपके बॉडी एक्शंस, बॉडी बिहेवियर, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर स्पीकिंग, इसका धीरे धीरे रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। और ये रियलाइजेशन स्टार्ट होते ही फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर थ्रोट चक्र पर जाते हैं। और जैसे ही थ्रोट चक्र पर जाते हैं यहाँ पर आपके जो भी कम्युनिकेशन है, जो आप पूरे रिलेशंस को हैंडल करते हो, डील करते हो, ये पूरे वेकिंग कॉन्शियसनेस के साथ करते हो, पूरी शिफ्ट ले आता है। एंड फिर धीरे धीरे ये और शिफ्ट करता है थर्ड आई चक्रा पर, जहां पर आप ट्रांसेंडेंटल लेवल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही आपकी जर्नी पूरी लाइट में मर्ज होने की तैयारी में है। अब आप पूरी अवेयरनेस के साथ, सिर्फ आपकी ग्रोथ और सोल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, पर आपसे जुड़े हुए जितने भी कनेक्टेड सोल्स है उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कैपेबिलिटी में आ चुके हो। ऑटोमेटिकली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उनके अंदर भी शिफ्ट आना स्टार्ट हो गया है एट मेजर लेवल। और फिर जैसे ही क्राउन पर आते हैं तो पूरी तरह से आप इन्फिनाइट में मर्ज हो जाते हैं, इन्फिनाइट फॉर्म में मर्ज होता। तो ये पूरा जो एक जर्नी है कॉन्शियसनेस की, उस जर्नी के बीच में और भी चीजें चलती होती है। जैसे हमने कहा कि वेकिंग कॉन्शियसनेस, तो वेकिंग कॉन्शियसनेस में आपका सेल्फ रियलाइजेशन तो स्टार्ट हो गया, पर इसके साथ भी अभी भी कहीं ना कहीं एक शिफ्ट बाकी है, अभी भी आपके अंदर कुछ चीजें बाकी हैं। जैसे आप पूरी तरह से अवेक हो पर आपका फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको सोते रहना है, आपका माइंड एक्टिव है फिर भी आपके अंदर डिजीनेस है कहीं ना कहीं, तो उस चीज को आप ट्रेवल करना स्टार्ट करते हो। फिर जैसे ही आपकी जो नेक्स्ट स्टेट पे जाती है, जैसे हम अनकॉन्शियस स्टेट कहते हैं, डीप स्टेट ऑफ स्लीप, तो इसमें क्या होता है, पर्सन बिल्कुल अवेयर नहीं है। अनकॉन्शियस स्टेट में जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारे अंदर की अवेयरनेस भी बिल्कुल जैसे ना के बराबर हो जाती है, हमारी नॉलेज का भी हमें समझ नहीं आता है, हम फिजिकल वर्ल्ड से भी परे हो जाते हैं, क्या आसपास हो रहा है बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और ऐसे टाइम पर अगर आपके कॉन्शियसनेस में कोई अनवांटेड हैबिट्स हैं, हम कहते हैं ना कई बार कि इनको तो कुछ आदतें नहीं थी पर अचानक से पता नहीं बुरी आदतें लग गई, एडिक्शन स्टार्ट हो गए, तो नाउ दिस टाइम कम्स व्हेन अनकॉन्शियस माइंड प्लेज अ रोल और अनकॉन्शियसली आपकी वो सारी हैबिट एक्टिव हो जाती है। अगर सोल इस समय अवेयर हो जाता है तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बट अगर सोल अवेयर नहीं हो रहा है तो वो इन सारे बिहेवियर पैटर्न के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, पर ये सारी चीजें विदाउट अवेयरनेस होती है। तब कई बार हम कहते हैं कि ये कुछ तो बोल गए, पर सामने वाले को भी शायद पता नहीं होता है कि ये बोलते समय वो अपनी चेतना में भी नहीं है, वहां पे अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव था और अनकॉन्शियसली वो चीज हो गई, ये अनकॉन्शियस पार्ट हुआ। फिर वैसे ही सबकॉन्शियस स्टेट है या फिर ड्रीम स्टेट हम जिसे कहेंगे। अब सबकॉन्शियस स्टेट में जब जो व्यक्ति होता है, अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, अब बहुत सारी चीजों को ऐसे गैदर करते हो, पर रिमेम्बर क्या रहता है, ओनली बिट ऑफ थिंग्स यू रिमेम्बर, उसमें से कुछ कुछ चीजें ही आपको याद रहेंगी और आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वहां पर कि ये सारी जो शिफ्ट हो रही है ये क्यों हो रही है। मीन्स आपकी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं करेगी। वो क्यों नहीं स्टोर करेगी, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं है। वो स्टोर कब करेगी, जब जरूरत है। मीन्स कई बार हम ऐसे लगता है ना कि आप किसी व्यक्ति के सामने हो बट यू डोंट फील एनी हर्ट, पर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे वाक्य याद आ जाएगा, इंसिडेंट याद आ जाएगा और आप पूरी तरह से या तो फिर हैप्पी मोमेंट है तो हैप्पी हो जाओगे, सैड मोमेंट है तो सैड हो जाओगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस कि आपने जब नीड था तब वो सबकॉन्शियस आपका एक्टिव हो गया। फिर उसी नेक्स्ट लेवल को हम समझें, दिस इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। अभी ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस क्या, हम सब ने सुना कि ट्रांसेंडेंटल सोल है
जो सोल बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब वो इस दुनिया से आगे बढ़ चुके हैं। तो ये कब आता है? ये बहुत सारे प्रैक्टिस और डेवलपमेंट के बाद आता है। डेवलपमेंट ऑफ अ सबकॉन्शियस स्टेट, जहां पर हम अपनी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से अपने सेंसेस के माध्यम से हील करेंगे। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिमांड ऑफ माइंड्स हैं, उन सबको हम हील करेंगे। और जिस दिन हम उसको हील करना समझ गए, उस दिन आप अपने नियर बाय जो भी एनवायरमेंट है उसे डिस्टर्ब नहीं होंगे। मीन्स फिर आपके आसपास चाहे कुछ भी हो तो भी आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा। कोई डिस्टर्बेंस इन फॉर्म ऑफ साउंड है या कोई पर्सन के डिस्टर्बेंस है, यू विल नॉट फील एनी डिफरेंस, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो स्ट्रांग रहेगा। ट्रांसेंडेंटल लेवल पे जब आप इतनी स्ट्रांग रहोगे कि अपने आप में आप खोना जानोगे, अपने आप में आप हैप्पी रहना जानोगे। और उसके बाद आती है जो है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अब जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, ये क्या है? ये एसोसिएटेड है आपके कॉन्शियसनेस के उस लेवल पर जहां पर सारी चीजें इक्वल फॉर्म में हो जाती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली आप सोचोगे कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है या नहीं है। मींस योर माइंड विल स्टार्ट ड्वेलिंग इन टू स्टेट। एक बार जो आप ये सोचोगे कि मटेरियलिस्टिक डिजायर फुलफिल करना चाहिए, और दूसरा माइंड कहेगा कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, आई एम हैप्पी इन व्हाट एवर आई एम हैविंग। तो ये आपका कॉस्मिक कॉन्शियसनेस स्टेट आ जाएगा। मींस आप खुश रहोगे व्हाट एवर यू हैव इन दैट फॉर्म। फिर उसके बाद गॉड कॉन्शियसनेस। तो गॉड कॉन्शियसनेस क्या है? बीइंग, जैसे ये एक वो स्टेट है जहां पर आप सब तरह से ओपन हो टू हेल्प एवरीवन, फुल हार्टेडली सोशलाइजिंग, चाहे घर में आपको हेल्प करना हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, हर जगह पे आप ओपन हार्टेडली, यू विल वेलकम एवरीवन। आपका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन और स्ट्रांग बनेगा अपने हार्ट चक्र के साथ, अपने कंपैशनेट एनर्जी के साथ, एंड यू विल वाइडली गेट कनेक्टेड टू दोज डिवाइन फ्लो। वो डिवाइन फ्लो में आप इतना मर्ज हो जाओगे कि अब आप कोई व्यक्ति से डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, चाहे रिच हो, पुअर हो, चाहे कोई भी स्टेटस पर हो, आप लोगों में डिफरेंस नहीं करोगे। जो आपके क्षण में आया है, जो आपके वहां पर सारे इक्वल है, आप किसी के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं करोगे। तो दैट इज द लेवल ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। चाहे एक स्टूडेंट पुअर फैमिली से हो, चाहे एक स्टूडेंट रिच फैमिली से हो, आप सभी को इक्वल नॉलेज दोगे। ये होता है गॉड कॉन्शियसनेस। और इस कॉन्शियसनेस में जब आ जाते हैं, वी कम इन वननेस, क्राउन चक्र। और जैसे ही यहाँ पर हम आ गए, फिर हम यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हैं। मीन्स हम सारी चीजों को एक तरह से जब भी वननेस में देखते हैं, तो हर कोई चीज वननेस में आ जाती है। चाहे हस्बैंड वाइफ का रोल हो, वहां पर दोनों एक दूसरे को इक्वल समझेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे का हर काम में साथ देंगे। इस तरह से एक यूनिटी कॉन्शियसनेस आ जाती है। अगर हम कहीं पर भी है, तो इस यूनिटी कॉन्शियसनेस के साथ, अवेकनिंग के साथ, हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। हम वननेस में आ जाएंगे, वन सेल्फ के साथ भी वननेस, जैसे हमारे अंदर का इन यांग भी बैलेंस होगा, और जो हमारी यूनिटी के साथ में जहां पर भी ग्रोथ होनी चाहिए, सोल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वहां पर भी यूनिटी कॉन्शियसनेस आ जाएगी। तो दिस इज अ जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस। पर ये जर्नी में स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। जितना हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तब एक एक स्टेज को हम समझ पाएंगे और जी पाएंगे। फिर उसके लिए हमें हील करना है। हीलिंग के कई सारे तरीके हैं। एक्सेप्टेंस और लेट गो सबका बेसिक है। कोई भी हीलिंग में रहो, कहीं पर भी रहो, एक्सेप्टेंस और लेट गो, ये दो चीजें हमें करनी है। जैसे हम कहते हैं कि आप फॉरगिवनेस कीजिए, हम फॉरगिवनेस करते हैं, उसमें भी हम एक्सेप्टेंस जब ला पाएंगे तब फॉरगिवनेस होगा। अगर एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे तो फॉरगिवनेस भी हमसे नहीं हो पाएगा। होपोनोपोनो जो हम करते हैं, होपोनोपोनो के लिए भी एक्सेप्टेंस लाना जरूरी है कि आप एक्सेप्ट करें चीजों को। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, इट बिकम्स वेरी ईजी। तो हमें जो भी हीलिंग करते हैं, हम रिट्रीट अटेंड करते हैं, मास हीलिंग होती है, रिग्रेशन थेरेपी होती है, यही सारी चीजों को, ये अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने के लिए कि हमारे अंदर कहीं इमोशनल वीक एनर्जी है, हम इमोशनली अपनी कॉन्शियसनेस को ड्रेन कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को हम क्लियर करें। तो यहाँ पर जैसे आप
देखेंगे एक ही पर्सन के ये जो डिफरेंट ऑरा इमेजेस हैं, जैसे हर बार इनके अंदर शिफ्ट आते गया है। यहाँ पर जैसे इमोशनल वीक एनर्जी थी, वो इमोशनल वीक एनर्जी धीरे धीरे हीलिंग के साथ में, जैसे ये 2017 का इमेज है तब यहाँ लिया गया था फर्स्ट ऑरा, फिर उसके बाद जैसे ही हीलिंग प्रोसेस में रिग्रेशन हुए ऑरा क्लिंजिंग की, तो देखिए आप ये शिफ्ट देखोगे, देयर इज अ पॉजिटिव एनर्जी इन द सराउंडिंग। फिर यही हीलिंग कंटिन्यू रही, रिग्रेशन हुए, मां से रिलेटेड अटेंड करना, फिर एक ऑरा देखा, फिर यहाँ पर आप देखोगे ऑरा के अंदर फिर शिफ्ट है, फिर लोअर बॉडी की एनर्जी भी क्लेंज हो चुकी है, फिर धीरे धीरे और आगे हर इमेज में आप इसको पॉजिटिव भी ग्रो पाओगे। तो एवरी टाइम व्हेन यू कीप ऑन क्लेंजिंग पीरियोडिकली, आप पीरियोडिकली अगर इस चीजों को एक्टिवली अपने अंदर जीते रहो, हील करते रहो और शिफ्ट लाते रहो, तो ये हमें ऑरा में भी समझ में आ जाता है कि किस तरह से आपकी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होते होते मास्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जुड़ जाती है, और मास्टर्स ब्लेसिंग्स फिर हमें डिवाइन पाथ में ले जाते हैं, डिवाइन फ्लो में ले जाते हैं, जैसे आप लास्ट इमेज में देखेंगे, और यही डिवाइन फ्लो फिर आगे ग्रो करवाती है स्पिरिचुअली भी, हमारे लाइफ के जो भी पर्पस है उस पर्पस को भी फुलफिल करने में आसानी मिल जाती है, क्योंकि पाथ ओपन होते हैं, वी रिसीव लाइट एंड डायरेक्शंस फ्रॉम द मास्टर्स अपने आप, तो ये ऑरा भी हमें गाइड करती है। तो इस तरह से एट एवरी लेवल वी हैव डिफरेंट कॉन्शियसनेस, और ये कॉन्शियसनेस हमें मदद करती है हर तरह से जीने में। बट इसे कैसे हम अवेयर रखें, हमारा इंटेंशन क्या है इसके पीछे, वो मैटर करता है। डिफरेंट स्टेज होंगे लाइफ के, डिफरेंट रिलेशन होंगे, हर रिलेशन पर हमारा इंटेंशन एक होना चाहिए, दैट इज प्योर वननेस एंड कंपैशन हर किसी के साथ, नो डिफरेंशिएशन, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जैसे हमने ये समझा जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसी के साथ हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। बिफोर दैट इफ वी वांट टू हैव अ ब्रेक, हम क्विक 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, can have a quick 1 minute break, और उसके बाद हम meditation start करेंगे। हम सभी रेडी हैं, चलिए हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आप कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, बैक सपोर्ट लें, अपने आप को रिलैक्स रखें। आंखें बंद, हम सभी इन्वोकेशन में ही हैं। फिर एक बार जिन्हें भी हमें याद करना है उन सबको हम याद करेंगे।
हमारे सारे मास्टर्स, गुरु की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। एंजल्स, आपके एंजल्स हमारे गाड़ी होंगे, ये सब भी हमारे साथ हैं। इन सब की ऊर्जा एक कॉन्शियसनेस में मर्ज हो रही है, चाहे जीसस हो, मदर मैरी हो, अल्लाह हो या महावीर हो, सबकी चेतना एक में जुड़ रही है। और ये चेतना एक ऊर्जा का रूप ले रही है। इमेजिन करें ब्यूटीफुल ग्रीन लाइट। ये ग्रीन लाइट हीलिंग लाइट है। ये सारी हीलिंग ऊर्जा ब्रह्मांड से हमारी तरफ आ रही है। और ये लाइट हीलिंग एनर्जी के रूप में हमारे सांसों के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। इसीलिए ये हीलिंग ऊर्जा हमारे शरीर में आई, इसी के साथ ये हमारे अंदर मौज होती जा रही है। सांसों का संबंध शरीर से है, इसी तरह की हीलिंग लाइन हमारे शरीर से जुड़ रही है। हमारे फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा और स्पिरिचुअल लेयर ऑफ ऑरा जैसे डिवाइन लाइट से मर्ज हो रहा है। इसी के साथ हमें इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। जैसे जैसे ये डिवाइन हीलिंग ग्रीन लाइट और भीतर जा रही है, हम और अंदर जा रहे हैं, सिर्फ अपने अंदर ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। ये डिवाइन हीलिंग लाइट आपको पूरी तरह से लाइट कर रही है, जैसे हल्का कर रही है। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का। जैसे ये प्राण ऊर्जा है, हवा है, एक पल से दूसरे पल कितनी आसानी से ट्रेवल कर जाती है, उसी तरह ये हीलिंग लाइट अब आपके शरीर को ट्रेवल करवाएगी जस्ट इन फॉर्म ऑफ लाइट। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है और अब रेडी है नई कॉन्शियसनेस जर्नी में ट्रेवल करने के लिए, पूरी तरह से तैयार है। माइंड बिल्कुल स्टेबल है और आप इमोशनली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। नाउ विद दिस डिवाइन ग्रीन लाइट योर बॉडी हैज स्टार्टेड ट्रेवलिंग। अब हम अपनी चेतना को, हमारे सबकॉन्शियस हायर सेल्फ को कॉल करते हुए उनके माध्यम से
उनकी सहायता से हम ट्रेवल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी ये जर्नी आज हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड से मिलने की है, हमारी सुपर कॉन्शियस चैनल से मिलने की है। एंड वी आर कंप्लीटली रेडी एंड वी हैव स्टार्टेड ट्रेवलिंग। हमारा हायर सेल्फ इस डिवाइन हीलिंग ऊर्जा की मदद से प्रोटेक्शन के साथ हमें ट्रेवल करवा रहा है। आप बहुत आसानी से आपकी चेतनाओं से ट्रेवल कर पा रहे हो, बहुत इजी है। इसे इमेजिन करें, क्लाउड आपके सामने है और एक क्लाउड के माध्यम से आपकी ट्रेवलिंग और आसान हो रही है। अब क्या आपके शरीर को लाइट फॉर्म में डिवाइन ट्रेवलिंग के पास भेजा रहा है और स्लोली ट्रेवलिंग मीट योर डिवाइन सुपर कॉन्शियस कनेक्शन के ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर स्लोली एंड स्टडी बिल्कुल प्रोटेक्टेड है हम और ये हमें पर ले जा रहा है और ऊपर। जैसे जैसे ये आपको ट्रेवल करवा रहा है, पीछे आपके सामने आपके विजन में सारी प्योर डिवाइन इमेजेस हैं। जैसे एक सुंदर सा एंजल हाउस हो, जैसे ये पूरी परियों की दुनिया हो, आप अपने सामने देख रहे हैं। सारी दुनिया से भी आपको आगे जाना है। धीरे धीरे इन सबके प्रेजेंस के साथ गार्डियन एंजल आ देयर, अ हायर सेल्फ आर कनेक्टेड एंड विद देम वी आर स्लोली ट्रेवलिंग अप और आगे और आगे। और आप बहुत इजीली अपने सुपर कॉन्शियस कनेक्शन के पास जा पा रहे हो। आपके अंदर ऊर्जा आपको मदद कर रही है स्टडीली कॉन्स्टेंटली मीट योर सुपर कॉन्शियस और यही आपको आसानी से आगे ले जा रही है, बिल्कुल आगे। Cloud is moving very smoothly. और आप बहुत आसानी से बिल्कुल लाइट फॉर्म में आगे बढ़ रहे हो। You can imagine all the positive universe around you, all the positive life around you. जैसे अब धीरे धीरे आप ब्रह्मांड में मौज हो रहे हो, आप इस यूनिवर्स में मौज हो रहे हो, आप पहुंच गए हो इस यूनिवर्स में। आपके सुपर कॉन्शियस कनेक्शन है और में जितनी पॉजिटिव ऊर्जा है, जितनी पॉजिटिव नॉलेज है, ये सब पॉजिटिव नॉलेज ऊर्जा आपको मदद कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। और देखिए बस कुछ ही पल में आप अपने सुपर कॉन्शियस कनेक्शन को एक्टिवली अपने सामने पाओगे। एंड देयर यू गो डीप एंड डीप, देयर यू रीच। और अब आपका सुपर कॉन्शियस कनेक्शन आपके सामने है। आप देखें आपके डिवाइन की ऊर्जा जो हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमेशा आपको राइट पाथ दिखाते हैं, वो आपके सामने है। लाइट इज देयर एंड दे आर देयर, जस्ट फील देम। जैसे हमारा मस्तक अपने आप नमन की तरफ बढ़ रहा है उनके लिए, आप उनसे मिले हो,
ये बिल्कुल आपके सामने है, आपकी सुपर कॉन्शियस कनेक्शन, जिसे सोल हर पल मिलना चाह रही है, जिसमें सोल मौज मना चाह रही है। वो चेतना, वो सुपर कॉन्शियस डिवाइन कनेक्शन हमारे सामने है। ये कितना सुंदर है ये उनका चेहरा, मुस्कान, पूरा मुख, उस मुख पर जो रौनक है, वो तेज है। उस तेज को महसूस करें। ये तेज हमेशा हर पल आपको प्रेरित करता है कि आप भी इसी तरह इसी ऊर्जा के साथ अपने आप को स्टेबल रखें। ये जो तेज आपको उनके मुख पर दिख रहा है, वही तेज रोशनी के रूप में उनके इर्द गिर्द भी है, जैसे उनकी ऑरा, उनका आभा मंडल, यही तेज रोशनी से भरा है। हमारी सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सुपर कॉन्शियस कनेक्शंस के साथ उनकी ऑरा में हम हैं अभी, प्योर कॉन्शियसनेस में। और ये प्योर कॉन्शियसनेस में आते ही हम इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे अंदर आज हमारे डीएनए में एक्टिवेशन के सीड्स डालें, दैट बिकम इन वेकिंग कॉन्शियसनेस। हम हमेशा अवेयरनेस में रहें, अवेक रहें, हमारी चेतना को अवेक रखें, हमारे सारे कॉन्शियसनेस स्टेबल हो रहे हैं। हमारे अनकॉन्शियस के अंदर जितने भी पॉजिटिव चैनल्स हैं, जितने पॉजिटिव हिडन पोटेंशियल्स हैं, उन्हें एक्टिव करें। आज हम सुपर कॉन्शियस कनेक्शन से रिक्वेस्ट करते हैं टू एक्टिव ऑल अ पॉजिटिव चैनल फ्रॉम आर अनकॉन्शियस, फ्रॉम आर सबकॉन्शियस। हमें इस वननेस में ले आए, हमें अवेयर करवाए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किन के साथ जा रहे हैं। सभी चीजों की अवेयरनेस में आए हम, हमें उस पाथ पर ले जाए जहाँ पे सब कुछ वननेस में है। एवरीथिंग इज इन कंपैशन, एवरीथिंग इज इन प्योरिटी। Lead us to that path of a life where everything is blissful, everything is joyful. हमें उस अवेयरनेस में ले आए जहाँ हम अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर का कितना ध्यान रख रहे हैं, हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं, in form of emotions, in form of food, in form of energy. अपने शरीर की ऊर्जा के लिए क्या कर रहे हैं। उस वेकिंग कॉन्शियसनेस में हमें ले आए, हमारे इस पॉजिटिव चैनल को एक्टिव करें, फील करें। सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमें इसी क्षण विशेष समय लाइट दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। उनकी ऑरा का जो तेज है, वो तेज ही हमें हील कर रहा है, हमारे इन सारे कॉन्शियसनेस को बैलेंस कर रहा है, पॉजिटिवली अलाइन कर रहा है। इसके साथ जुड़े हमारे जो चेतनाएं हैं, हमारे फाइव सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस से जुड़े हमारे जो चक्रा है, वे सभी भी प्योरीफाई हो रहे हैं, क्लेंस हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। फील करें उनकी उस तेज को अपने अंदर, जैसे आप उनमें मौज हो चुके, उनकी ऑरा में मौज हो चुके हो। यू आर वन विद योर डिवाइन सुपर कॉन्शियस कनेक्शन। हम उनके वननेस में आ गए हैं। फील द एनर्जी, फील द लाइट, फील द लव। यही लव एंड लाइट के साथ अपने अंदर इस ऊर्जा को और तेज कीजिए। अब अपने ऑरा को तेज कीजिए, इस लव एंड लाइट को अपने अंदर मर्ज कीजिए और मर्ज कीजिए। दैट ऑल द ब्लड सेल्स एंड एटम्स टुडे गेट एक्टिवेट विद ऑल द पॉजिटिव चैनल। हमारे शरीर के हर एक स्नायु को
इस पॉजिटिव चैनल से एक्टिवेट करवाइए दैट आवर बॉडी बिकम फ्लेक्सिबल, फिजिकली भी फ्लेक्सिबल, माइंड से भी हम फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, विद आवर थॉट्स ऑल्सो विद आर फ्लेक्सिबल विद पॉजिटिव इंटेंशन. अब हम प्योर इंटेंशन में आ रहे हैं. We are an intention of oneness. We are an intention of healing self, healing all the connected souls. Pure intention को पूरी तरह से अपने अंदर active रखें. Intention of merging in love and light. और यही intention हम अपने अंदर सील करेंगे, हमारे ऑरा के अंदर सील करेंगे. और इसी सुपर कॉन्शियस कनेक्शन के सारे ब्लेसिंग्स को लेते हुए, हम इस ब्लेसिंग्स को अपने अंदर समाते हुए, अब इनसे परमिशन लेते हुए हम अपनी जर्नी अपने प्रेजेंट कॉन्शियसनेस की तरफ ले आएंगे स्लोली स्लोली. अब इसी तरह से हम लाइट फॉर्म से धीरे धीरे ट्रेवल बैक करेंगे इस स्टेज को, फिर एक बार अपने अंदर समाते हुए उनके ब्लेसिंग्स को, फिर एक बार अपने अंदर लेते हुए इस मंथ को भी हम बैलेंस करेंगे. आर लर्निंग अ लेसन ऑफ डिटैचमेंट. हम अपने सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड भी हैं पर डिटैच फॉर्म में. इसी डिटैचमेंट फॉर्म में हम उनके ब्लेसिंग्स को हमारे अंदर एक्टिव रखते हुए ट्रेवल बैक करें, धीरे धीरे वापस आए. देखिए जिस तरह से आप गए थे उसी क्लाउड पर आप फिर बैठ कर फिर ट्रेवल बैक कर रहे हो, स्लोली कमिंग बैक ब्रह्मांड से, फिर उस एंजल की दुनिया को देखते हुए, सारे एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए हम धीरे धीरे वापस आ रहे हैं. स्लोली स्लोली वी आर कमिंग बैक स्लोली. नाउ सी अर्थ अराउंड यू, पूरी कॉन्शियसनेस आपकी चेतना सृष्टि को देख पा रही है, इस पृथ्वी की बोली को देख पा रही है. इंटेंशनली इस पूरे अर्थ को हीलिंग लाइट पास करते हुए, पूरे पृथ्वी को हील करते हुए हम ट्रेवल बैक कर रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं. अब हम धीरे धीरे इस पृथ्वी पर आ चुके हैं एंड स्लोली दिस बॉडी जो लाइट फॉर्म में थी वो फिजिकल फॉर्म में आ रही है. फिर हम अपने प्राण से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने ब्रेथ से कनेक्ट हो रहे हैं. वी आर इन अ फिजिकल फॉर्म, आवर लाइट बॉडी हैज मर्ज्ड इन अ फिजिकल बॉडी. हमारी लाइट बॉडी फिजिकल बॉडी से मर्ज हो चुकी है. कनेक्ट विथ योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ. आपके सांसों को महसूस करें, आपकी सांसें जिस तरह से अंदर जा रही है, आपकी सांसें जैसे आप रिलीज कर रहे हो आपकी छाती का फुलना, अंदर जाना महसूस करें, आपके पूरे शरीर को महसूस करें, योर टोज, योर एंकल्स, योर काफ मसल्स, नी जॉइंट्स, योर हिप्स, हिप बोन, योर लोअर एब्डोमेन, लोअर वेस्ट एरिया, अपर एब्डोमेन, मिडल बैक एरिया, छाती, शोल्डर्स, आर्म्स, दोनों हथेलियां, आपकी गर्दन, आपका पूरा फेशियल एरिया, आपका स्कल, आपकी सारी कॉन्शियसनेस प्योर पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिजिकल फॉर्म में आ चुकी है एंड यू आर कंप्लीटली बैक टू दिस फिजिकल कॉन्शियसनेस. अब धीरे धीरे आप पूरी तरह से इस रूम में आ चुके हो, इस प्रेजेंट स्टेट में आ चुके हो. आपके हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में मूवमेंट्स लाइए स्लोली स्लोली. रिंग मूवमेंट्स इन योर फिंगर्स, रब बोथ योर हैंड्स टुगेदर. आपके दोनों हाथों को
करें और तेजी से, और इन्हें अपनी आंखों पर ले जाएं। Slowly take this on your eyes. Take all the blessings you have received. जो भी हमने रिसीव की है blessings हमारे सुपर कॉन्शियस कनेक्शन से, उन सारे ब्लेसिंग्स को हम अपने आंखों में ले जाएंगे. लेट आवर विजन गेट हील्ड. और ये सारी ऊर्जा के लिए हम सभी को थैंक्स कहेंगे. सारे देवी देवता, मास्टर्स, एंजल्स, आर्क एंजल्स, हमारी सारी लिविंग ऊर्जा, सबको हम थैंक्स कहेंगे. हमारे एंसेस्टर्स, पेरेंट्स, सबका हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, अपनी सोल का ग्रेटिट्यूड करते हैं. और धीरे धीरे, व्हेनेवर यू आर रेडी, ओपन योर आईज. जब भी आप रेडी हो, धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें. थैंक यू सर. डॉक्टर उदेशा के ब्लेसिंग्स के साथ हम ये सारे मैसेजेस, हम ये सारे हीलिंग लाइट आप सभी तक पहुंचा पा रहे हैं. थैंक यू सर वंस अगेन फ्रॉम ऑल ऑफ अस. जैसे आप में से अभी भी कोई हीलिंग सीखना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो हम अभी कमिंग वीक पुणे आ रहे हैं. सैटरडे संडे 2nd and 3rd of July वी आर कमिंग टू पुणे. तो आपके कोई भी परिवार के सदस्य, फ्रेंड्स अगर पुणे में हैं, तो उनसे आप कह सकते हैं कि वो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें और पुणे के लिए हम उन्हें गाइड कर देंगे. एंड आफ्टर पुणे वी विल बी गोइंग टू अहमदाबाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. अहमदाबाद में भी हमारा 2 दिन का इवेंट है गुजरात में, तो वहां पर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं. जो हमारे साथ जुड़े हैं वो आप टीम से कांटेक्ट करें, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमारे इवेंट्स के बारे में. एंड आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. दोनों जगह पर टॉपिक हमारे एक ही है, पुणे एंड अहमदाबाद में. EFT, मुद्रा, लाइव ऑरा एंड होपोनोपोनो, ये पूरा एक पैकेज है. 2 दिन में ये सब्जेक्ट कवर होंगे, तो आप हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के साथ. जैसे ये साइकोलॉजिकल एक्यूप्रेशर है, तो वो कर आप अपने इमोशनल ऑरा को स्टेबल कर सकते हैं. मुद्रा से हम अपने फिजिकल बॉडी एंड माइंड को हील कर सकते हैं. ऑरा से हमें पता चल जाएगा, तो उससे हम आपको गाइड करेंगे. एंड विथ होपोनोपोनो वी कैन डू अ फॉरगिवनेस फॉर आवर ओन सेल्फ एंड विथ अदर्स. आप कांटेक्ट करें. और उसी के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी पूरी अपॉइंटमेंट बेसिस पर है. इट इज प्योरली ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस, जो प्री रजिस्टर करवाएगा, और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ही हम अपॉइंटमेंट ले पाएंगे. सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट. आप सब जन को फिर से थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी तरह आप जुड़ते रहिए मॉर्निंग 6 AM एंड इवनिंग 6 PM एवरी डे विद अस. मैं सबका परमिशन लेती हूँ. थैंक यू वंस अगेन. And we will end our session.